सरकार ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने चंपानेर से छावनी हटाने के फैसले पर मुहर लगा ली। By the power vested in me by Her Majesty Queen Victoria, I hereby declare that after much deliberation on the matter, the cantonment at Champanair be dissolved, and the officers and troops of the erstwhile cantonment shall relocate and re-establish themselves in the princely state of Rajgarh with immediate effect. Signed, Colonel J.R. Boyer, Commanding Officer, Central Provinces. Look it up, baby. Chug, chug, chug.
यही सब आपने हमारे लिए जो किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह चंपानेर ही नहीं उस प्रांत के सारे गांव को 3 साल तक कोई लगान नहीं देना पड़ा। कैप्टन रसल को अपने सन की बर्ताव की कीमत चुकानी पड़ी, उसे 3 गुना लगान भरना पड़ा और साथ ही उसका तबादला मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया गया। एलिजाबेथ अपने मन में भुवन की मूरत लेकर वापस इंग्लैंड चली गई और सारा जीवन अविवाहित रहकर भुवन की राधा बनी। भुवन और गौरी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राजा पूरण सिंह पधारे, जिससे चंपानेर की शान चौगुनी हो गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी भुवन का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। गुस्पांस थे क्या यार, मूवी का क्लाइमेक्स हुआ यार। ऐसा खेलो ना दुश्मन भी दाद दे आपको, सारे गोरे खड़े हो गए भाई। जिस तरह आज भुवन ने खेला और अपनी टीम के साथ सबकी मेहनत थी यार, बहुत अच्छा लगा यार। ऐसा मैच हम देख रहे थे ना, प्रेशर था हम पे ही, हम खुद सोच में पड़ गए थे ये क्या हो रहा है यार, कैसे ये जीतेंगे, इतना मुश्किल है, टफ मैच है भाई। वो गोरे हर बार जब भी कोई कमज़ोर खिलाड़ी आता है कमान करते हैं, उसको घेरा करते हैं ना कि वो बेचारा कन्फ्यूज हो जाता था। लेकिन भाई इनको सलाम है, इनकी हिम्मत को, इनका जज्बा जोश भाई, जिस तरह ये लड़े हैं गोरों से, इनको भगाया, इनको जिल्लत दी, इतनी बेइज्जती इनकी हुई ना कि यार मतलब सुकून मिला मेरा। जो लास्ट में जो आउट हुआ और अंपायर ने भी नो बॉल, फिर बाद में जो वो बाउंड्री से बाहर हो गया, हम समझे गया भाई ये मूवी एंड इसका इमोशनल होगा, पर नहीं भाई, वो किस्मत इनके साथ थी और छक्का हो गया ना, दिल खुश हो गया एकदम। हार्ट टचिंग भाई मूवी थी, गजनी हमारा पीके भाई, क्या बंदे हो यार, दिल जीत लेते हो हर बार यार। रियल मैच वाली फीलिंग आ रही, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में हम होते हैं ना भाई, ये हो, क्या होगा, हर बॉल पे कुछ ना कुछ ऐसा मतलब टेंशन में होते थे, इन्होंने वही हमें यार फीलिंग दी है, एकदम गूज़बम्स भाई, रोंगटे खड़े कर दिए, मज़ा आ गया। सही बात है भाई, हम भी इनके साथ कनेक्ट हो गए थे एकदम से भाई, जैसे ये लास्ट 2 झटके हमें दिए ना, वो भाई भवन ने, वो जो लंगड़ा था भाई उसने खेला ना, कचरा भाई ने भाई जो लास्ट बॉल पे खेला वो भी 2 बार मिस कर दिया, कचरा ने सारा काम खराब कर दिया। लास्ट में जब 9 बॉल एम्पायर ने खेला है, दिल खुश हो गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और कैच भी पकड़ा, वो दूसरा झटका ये वाला, वो उसके कैप्टन ने कैच पकड़ा तो ए भाई, तो ये भी भाई ख़त्म, पर भाई छक्का दे दिया, बड़ी मेहनत की इन्होंने यार, मज़ा आ गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये गांव वाले जीते ना बहुत अच्छा लगा, देखो ना कैसे जीते भाई, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया अंग्रेज़ों को, भगा दिया, यहाँ से शर्म के मारे ही चले गए, यहाँ से भाई जाओ, यहाँ ये चिढ़ाएंगे, ये आएंगे जाएंगे चिढ़ाएंगे। ये अंग्रेज़ जो लड़की थी भाई, इसने भी बड़ी एफर्ट दी इन्होंने, इनका ही बड़ा हाथ है इसकी जीत में ना, मज़ा आ गया। ऐसे गेम खेलते हैं भाई, हमें भी सिखा ये आए भाई, जो वो पागल था हमारे वाले, डर डर के खेलते हैं, ये देखो आया ऐसे खड़ा होके लगाया झक्के, ऐसा जज्बा भाई हमें भी चाहिए खेल में, मज़ा आ गया आज तो, मज़ा आ गया। देखिए खासकर सेड हो गए लास्ट में, हमने 2 गेंदे ऐसी दी ना, कचरा खड़ा हुआ था, दोनों को दोनों डॉट बॉल कर दिया ना, शुक्र करे एम्पायर ईमानदार था, उसने 9 बॉल दे दिया भाई, वो तो हैरान कर दिया। अगर एम्पायर बेमान होता तो बस चलो कोई बात नहीं, मगर ये गोरो की अच्छी बात है, मगर ईमानदारी है आज गोरो के पास। मगर लास्ट में भी हमने सोचा शॉट मारी ना गजनी ने, तो भाई हम तो हैरान हो गए, उसने अंग्रेज ने कैच ले लिया ना भाई, हम परेशान हो गया भाई, ये मैच गया भाई, ओ भाई साहब, फिर छक्का हो गया था, फिर पूरे गांव वाले में जोश आ गया, अंग्रेज भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए भाई, ऐसा होना चाहिए, जीत का जोश होना चाहिए। आज मज़ा आ गया देखकर, खासकर एंटरटेनमेंट, मैं यास्मीन वाले को क्रेडिट दूंगा भाई, आज तक ऐसा मैंने 360 जिंदगी में नहीं देखा है भाई, मज़ा आ गया देखकर, लाजवाब मूवी तो कमाल की थी, हम बहुत इंजॉय किया। और वो भाई गौरी लड़की थी ना, वो मायूस होकर चली गई, वो प्यार करती थी, मज़ा आ गया। और भाई ये मैच जीता ना, दिल जीत लिया,
और मजा आ गया पूरी भरपूर सी एंटरटेनमेंट भरपूर। हाँ भाई रियल मैच था बाकायदे, मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मूवी में। थैंक यू, अल्लाह।